नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ धारकुंडी के दृश्य। ये जो धारकुंडी है, एक्चुअली यह एक तपोभूमि है, काफ़ी सारे ऋषि मुनियों की रही है और द्वापर युग से ही इसका उल्लेख मिलता है। इसमें काफ़ी सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। लगभग लगभग हम धारकुंडी अभी पहुँचने ही वाले हैं। ये जो धारकुंडी है मुख्यतः दो कारणों से प्रसिद्ध है। एक तो जो यहाँ पर तपस्वी रहते हैं और साधना करते हैं, आध्यात्म की बातें जानते हैं वो, और दूसरा जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के वन्य जीव, इस वजह से ही धारकुंडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया शांति मिलेगी। अब मन बिल्कुल शांत हो जाता है यहाँ के दृश्य देखकर, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ये नेचुरल ब्यूटी को देखकर आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। वैसे आज ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है, और चलिए यहाँ पे एक पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं, इनसे चल के पूछते हैं कि क्या बात है। बंद है सर जी? हाँ, बाथरूम भरे में जाना पड़ता है, वहाँ ट्रांस कर लो, इधर नहीं जाने देती है। यहाँ पर इसको लॉकडाउन कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। हो सकता है कि COVID-19 की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हो। टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है COVID-19 की वजह से। मैं टूरिज़्म सेक्टर में ही जॉब भी कर रहा था अभी फेब्रवरी तक, जब तक ये COVID-19 नहीं आया। और जैसे ही COVID-19 आया, हर जगह लॉकडाउन हो गया, टूरिज़्म पूरी तरह से बंद हो गया और कितने ही सारे लोगों की जॉब चली गई है टूरिज़्म सेक्टर में COVID-19 की वजह से। तो चलो, ये वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी ही पहुँचेंगे। आप ट्रैकिंग करके आना चाहें तो भी आ सकते हैं उस मेन पॉइंट से। ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम जा रहे हैं, वहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ और कुछ लोग देख के अच्छा लग रहा है। लगता है कि थोड़ा बहुत इन्जॉय कर पाएंगे यहाँ पर भी, अदरवाइज अभी तो सब सूना सूना लग रहा था। गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और अब हम आ गए हैं यहाँ पर, जिसका नाम है अघमर्सर कुंड, अघमर्सण कुंड। कुछ चेतावनियाँ वगैरह दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये मुख्य द्वार है अंदर जाने का। इसमें ये अच्छी चीज़ दी हुई है, जब जैसे कभी भीड़ भाड़ वगैरह होगा तो लोग क्या हो ना, तितर बितर हो जाते हैं, तो ये बीच में डिवाइडर दिया हुआ है, मतलब एक साइड से आप नीचे जाएं और दूसरी साइड से वापस आएं। ये देखो, जिग जैग फॉर्मेशन पे जो है सीढ़ियाँ बनी हुई, मतलब आप ऐसे टेढ़े मेढ़े जाइए, डायरेक्टली सीधा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेढ़े मेढ़े जाइए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ का जो वातावरण है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये आने वाले लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी फैलाई है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बगल में बजरंगबली का मंदिर है छोटा सा, और साथ में यह कुंड है जिसमें पानी रिस रिस के आता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो दर्शनार्थी हैं ये स्नान कर रहे हैं। पता नहीं कुछ ही समय में मतलब पूरा कुंड खाली हो गया, लोग यहाँ पे अचानक से सारे के सारे चले गए। और ये आप देखिए, चारों तरफ से ये जो पत्थर हैं, इसके बीच में एक्चुअली डाउन साइड में ये बना हुआ कुंड है, और लगभग 100 फीट नीचे है ये भूतल से। ये जो चट्टानों से रिस रिस के पानी आ रहा है, ये एक्चुअल में बहुत ही साफ पानी है, आप इसे पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू दिस चैनल, एंड टुडेज आई एम इन धारकुंडी धाम। धारकुंडी कहते हैं मोस्टली इसे, और दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ द सेकेंड प्लेस ऑफ दिस धाम। एक्चुअली द मेन प्लेस इज अप साइड देयर, और अभी एक्चुअली लॉकडाउन चला जिसकी वजह से वो प्लेस कम्प्लीटली अभी बंद है। वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, जिन्होंने बोला कि आप यहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन आगे एक और प्लेस है जहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, तो वो आप स्नान कर सकते हैं। बाकी जब ये कोरोना वगैरह ठीक हो जाएगा तब ये मेन द्वार जो है ये खुलेगा। तो दिस इज़ द सेकेंड प्लेस ऑफ दिस
धारकुंडी धाम, बहुत ही पॉपुलर है ये इस एरिए पे, मतलब इस एरिए पे ही ना सिर्फ मतलब सिमरिया, अब सतना, रीवा और आसपास के मतलब रीवा संभाग में जितने भी जगह हैं, ये काफ़ी गिनी चुनी जगहों में से आता है और ऑलमोस्ट ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है जिसमें आप बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एक्सकर्शन टूर जिसमें आप जाके 24 घंटे में वापस भी आ सकते हैं। मुझे पता चला कि दोपहर में अगर आप आते हैं यहाँ पे तो 1 से 1.5 बजे के टाइम पे यहाँ पे भोजन वगैरह होता है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेस, सो इफ़ यू वांट टू विजिट देन आप यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। पीछे मेरे यहाँ पे स्नान कुंड है जहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं ये भी मानना है यहाँ पे कि अगर आप आते हैं तो आपके रोग बाधा जो होता है ये सब दूर हो जाते हैं इस कुंड के स्नान करने से। लोग यहाँ पे आते हैं और पानी वगैरह भर के ले जाते हैं अपने बॉटल पे। और जो मेरे पीछे यहाँ पे है एक्चुअली ये जो पहाड़ों से ना रिस रिस के पानी आता है जिसे आप स्प्रिंग वाटर या ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो बहुत ही मतलब एक मिनरल वाटर की तरह आता है, लोग आप चाहें तो भर के पी सकते हैं और लोग नहाते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये ठंड का समय है तो जो मेन जगह है, जो मेन कुंड है, वहाँ पे पानी काफ़ी ठंडा है, लेकिन आप जब वहाँ से निकल के इस जो झिरते हुए पानी से आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल गर्म लगेगा। ये धारकुंडी का दूसरा स्थान है जिसमें यहाँ लोग आते हैं, पहले यहाँ नहाते हैं फिर उस धाम में नहाते हैं, दूसरे कुंड में, उसमें दो जगह से पानी निकलता है और वहाँ पे काफ़ी रौनक है, अच्छा है और आश्रम भी है वहाँ बाबा जी का। भजन यहाँ पे करीब 1 बजे मिलता है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में खाना मिलता है और डेली मिलता है। अभी इस समय कोरोना काल से वो धाम थोड़ी से बंद है। 7वें इतवार को मेला लगता है, महाराज जी रहते हैं यहाँ तो उनका दर्शन करने का बड़ा पुण्य है ऐसा कहते हैं। हम यहाँ 2 बार आए तो हमको महाराज जी नहीं मिले हैं, अब देखते हैं कब मिलते हैं। वेलकम अगेन गाइज ऑन दिस चैनल SK क्लिप। तो अभी तक जो आप सीन देख रहे थे ये थे धारकुंडी के, बेसिकली जो मेन स्पॉट है उसके सीन नहीं थे, ये थे अघमर्सन कुंड के। अभी बेसिकली जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से जो मेन जगह है उसको बंद कर रखा है टूरिस्टों के लिए। जो वहाँ पे पहले से रहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं केवल वो रहते हैं, वो आते जाते हैं और बाकी सबके लिए ये जगह अभी फिलहाल बंद है। तो बेसिकली मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि ये क्यों फेमस है। आपको वो वाली कहानी तो याद होगी जो युधिष्ठिर से सवाल पूछे गए थे यक्ष के द्वारा। तो बेसिकली जो यक्ष था वो वहीं पे रहता था जब वो स्वापित थे, जब वो अजगर के रूप में थे वहाँ पे, तो उन्होंने युधिष्ठिर से जो सवाल पूछे थे वो वहीं किसी एक कुंड में पूछे थे जो कि अघमर्सन कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि आप अभी सीन में देखे हैं। तो एक तो ये कहानी हो गई और दूसरी कहानी ये है कि जब युधिष्ठिर को श्राप मिला था, श्राप क्या मतलब, ये एक तरह से जो उन्होंने पाप किया था जो कि अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, अपने रिश्तेदारों को मारा था, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए किसी ने सुझाव दिया कि इस अघमर्सन कुंड में आपको जो तिथि सप्तमी आती है रविवार को आपको स्नान करना है तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए वो एक साल तक यहाँ पे रहे थे, एक वर्ष तक यहाँ पे रहे थे, लेकिन उस दौरान एक भी सप्तमी वहाँ पे नहीं आई। तो वो कहानी कुछ और है, हम जब मेन जगह पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इन कारणों की वजह से ये धारकुंडी फेमस है। सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो आप नेचर का जो एक रूप देखेंगे मतलब वो बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ से जंगल है और बीच में आश्रम बने हुए हैं और मतलब आप रिलैक्सेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, अध्यात्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है। बेसिकली सतना से यहाँ पे लगभग 70 किलोमीटर दूर है और अगर आप जाना चाहें तो सतना में भी एक इनकी शाखा है, यहाँ पर एक ऑफिस टाइप का जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। रोज़ एक बस सतना से जाती है धारकुंडी के लिए
और वापस आती है, वो आप जैसे थोड़ा बहुत इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो सच्चिदानंद जी महाराज थे वो 1956 पे यहाँ पे आए थे और तब से लेके जो उन्होंने साधना की है तो इस जगह को और ज़्यादा पवित्र बना दिया उन्होंने। आप जब आएंगे तो इस चीज़ का आपको खुद भी अनुभव होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मैंने ट्राई तो किया था लेकिन उस स्थान पे हम पहुँच नहीं पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।